जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यार आप सबको ईद मुबारक। तो वैसे ही ना लिंक्डइन पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा था, जो अपडेट्स ले रहा था, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा। एक पोस्ट मुझे नज़र आई, उसमें पोस्ट में ना काफ़ी कंपनीज की लिस्ट लगी हुई है। और ना तो मैंने सोचा यार, वैसे ही मुझे अट्रैक्ट की पोस्ट, मैंने सोचा यार चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनी। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी। एक ना बड़ी चीज़ मुझे खटकी, मैंने सोचा यार आप लोगों से ना ये चीज़ शेयर करता हूँ और इस पर ना थोड़ी सी बात करते हैं। आए देखते हैं पहले तो कि सीन क्या उस पोस्ट का। यार ये एक बंदे ने लिस्ट डाली हुई थी, कंपनीज विच हायर फ्रेशर्स ऑफ कैंपस कार्डली से। अच्छा, तो कुछ कंपनीज मैंने एक्सप्लोर की हैं, मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये चीज़ जो मैंने एक नोट की। क्या नोट किया वो मैं आपको बताता हूँ, बट चलते हैं सबसे पहले ना पहली कंपनी, नगारो नाम की एक कंपनी है। तो ऑब्वियसली जॉब्स से रिलेटेड ही ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाना है। अच्छा एक चीज़ अब आपने नोटिस करनी है, मैं इधर आया कंट्री में आए नाउ नाउ इधर आपने सिर्फ नोट करना है पी के सेक्शन में जाते हैं, फिलीपींस पोलैंड पोर्चुगल। पाकिस्तान नज़र आया कि मैं आपको नहीं आया? चलो इधर पहली कंपनी। दूसरी कंपनी में जाते हैं कंट्री केस फिल्टर में जाते हैं, ज्वाइन आर टी, ये सारा वो उन्होंने ना डायरेक्ट कैरियर सेक्शन डाला है इनका लिंक्स में। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं, अच्छा ये यहाँ भी पाकिस्तान नहीं है, उस श्रीलंका है जो कि डिफॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान नहीं है। नोट करते जाना जोहो बहुत मशहूर कंपनी है जोहो ना, यू ओपन रोल्स ओके, तमिलनाडु, इंटरनेशनल कंपनी है मैं, तमिलनाडु, इंडिया, CGI, सिटी एडवांस सर्च पैरामीटर्स कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक आ रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा। चलो फिनास्ट्रा, लोकेशन का यहाँ है बेंगलोर, इंडिया। अच्छा पोर्चुगल, अच्छा पी का सेक्शन पुणे, पाकिस्तान सर्च लोकेशन पे हम करते हैं पाकिस्तान। वी कुड नॉट फाइंड एनी मैचिंग जॉब इन पाकिस्तान। अब चलते हैं FIS पे, ओके कंट्री के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ तो थोड़ी सी कंपनी है, एक दो तीन चार, चलो पाकिस्तान नहीं है। चलो ये तो कंपनी भी थोड़ी सी ही है, तुनिसिया तक है, पाकिस्तान नहीं है। अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ। ये चीज़ें जो है ना मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि हम किधर खड़े हुए हैं इस वक्त टेक इंडस्ट्री में। यार बंदा सोचता है यार, ये जब इतना काम करने के बाद, इतना अरसा, इतनी मेहनत करने के बाद आपको जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, यार देखते जाए। अभी तो अभी मैंने पूरी लिस्ट में जाना है, कहीं तो मिले पाकिस्तान। ठीक है लोकेशन, बेयर विद मी, इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, देयर आर मेनी सर्च। ठीक है पाकिस्तान आ गया। jobs.equia.com, अच्छा वन जॉब इन पाकिस्तान, नर्स एजुकेटर, हम तो टेक की बात कर रहे हैं। एनीवे जियो, ये इंडिया की कंपनी है शायद, तो इधर तो होना ही नहीं ना, तो ये तो बाकी का तो मैक इनका फिल्टर जॉब्स को, रेडमंड मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, इंडिया। अगली पे आते हैं, चूज बिजनेस बट सिलेक्ट लोकेशन। पाकिस्तान देखते हैं, नो जॉब्स योर सर्च क्राइटेरिया दिस टाइम, फाइन इस पे आते हैं। वो पहले इंडिया की लोकेशन लगी हुई है। ओ भाई किधर बैठे हुए हो, किस जमाने में बैठे हुए हो,
पहले तो ये बताओ ना मुझे, हाँ इंडिया रिमोट सदन क्या गोथनबर्ग स्वीडन, वो पाकिस्तान का तो फिल्टर आया ही नहीं ना, सर्च करो। वो कोई चक्कर ही नहीं है, कंट्री के इसके फिल्टर में जाते हैं। हाँ जी, किधर है पाकिस्तान, नज़र आ रहा है आपको कहीं? मुझे तो नहीं आ रहा नज़र। ठीक है चलो, ये तो सारी होगी कंपनीज। ट्विलियो बड़ी मशहूर कंपनी, इसकी मैंने रिसेंटली काम भी किया है इसकी एपीआई पे। अच्छा चलो, इधर इसकी कोई फिल्टर है इसका, ये सारी कंपनी का। पोलैंड, पी के सेक्शन में सिर्फ पोलैंड। कहीं आपको पाकिस्तान नज़र आया हो? वेट, आपको एक चीज़ और दिखाऊं, एक चीज़ नज़र आई होगी आपको, पहले नंबर पे बेंगलोर इंडिया। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, को तकरीबन 7-8 कंपनीज की मैंने आपको लिस्ट दिखाई, सबके मैं जॉब्स डायरेक्ट कैरियर्स पेज पे गया, सबकी मैंने जॉब्स के फिल्टर्स में मैंने पाकिस्तान लिखा, ढूंढा, कोशिश की मिल जाए। एक पे मिला नर्स की अपॉर्चुनिटी थी मैं, लेकिन नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन नंबर वन आर्मी किस मुल्क की है? पाकिस्तान की, है ना? अच्छा ये सब भी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट कौन सी है? पाकिस्तान है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जब बात करें, एजुकेशन की जब बात करें, वेस्ट या अब इंडिया? इंडिया तो ऐसे भरा पड़ा है यार, इंडिया मैं ना इस चीज़ के, एक तो बड़े वो मुझे कोफ्त होती है ये चीज़, बार बार मीडिया में भी यही कहा जाता है, इंडिया इंडिया हमसे आगे, इंडिया हमसे आगे। देखो भाई, इंडिया हमसे बहुत आगे है। मैं आपको अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करूँ ना, दुनिया की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं, हर एक का हेड क्वार्टर इंडिया में है, एशिया का जो हेड क्वार्टर, दे हैव बिकम अ जायंट, और हम सिर्फ 75 सालों से बात ही कर रहे हैं। ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है ना, इस चीज़ को देख के फिर मुझे होता है कि यार हमने जो, चलो हमने तो भी करियर का इतना कुछ साल गुजारे नहीं है, अब जिस कंपनी के लिए मैं काम करूँ, ठीक है वो 7-8-10 साल गुजार चुके कंपनी रन, तो उनकी इतनी सालों की मेहनत ज़ाया। मैंने आज तक किसी एक कंपनी के ऊपर पाकिस्तान का वो नहीं देखा ना, कि यहाँ से ऑपरेट हो रही हो ओरिजिन पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी कंपनी की बात कर। इंडिया खुद नहीं बना सका, अब तो खैर बनाने लग गया बड़ी बड़ी कंपनीज, लेकिन जब नहीं बना सकता था उसने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, अमेजोन को, नेटफ्लिक्स को, वो अपने मुल्क लेके आया। वो जाहिर है वो हमारा हमसाया है, तो फिर वो सबसे पहले जहन में ज़ुबान पे वही नाम आता है, क्योंकि एक तो हमारा कल्चर बड़ा सिमिलर है, दूसरा हमारा ज़ुबान सिमिलर है, कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज, फिर हमारी एक एफिलिएशन है आपस में, बिलोंग तो हम एक ही कल्चर से करते हैं ना पीछे से, तो उसकी बेस पे एक एफिलिएशन तो रहती है। बाहर के मुल्क जब मिलते हैं आपस में, पाकिस्तान इंडियन, तो वो बड़ा ग्रीट एंड मीट करते हैं दूसरे को, क्योंकि एक वो है एफिलिएशन, तो ये सच है। वो नाअहलियों की वजह से घूम तो कि हमारे एक बीच में मीडिया कर लेता, लेकिन ऐसा सच है नहीं। बट पॉइंट इज, अगेन पॉइंट इज, आपने देखा है कहीं नाम आया पाकिस्तान का? कहीं पे भी नहीं आया, आना भी नहीं। अच्छा एक जगह नाम आएगा, दुबई में चले जाएं आप, वहाँ की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ किनके हाथों में? पाकिस्तानी बिजनेसमैन के हाथों में। लंदन के सबसे महंगे फ्लैटों में जो रहते हैं वो पाकिस्तानी रहते हैं। एक और बात, हम कहते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मतलब बहुत रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन है पता? उनके बिजनेसिस के हैं लैंडलॉर्ड्स, ज़मीन दूसरों के मुल्कों में भी जाके ज़मीनों पे कब्जा किया हमारी, वो सोच ही कब्जा ग्रुपों वाली है। हमने कभी कोशिश नहीं की कि यार कोई एक आधी कंपनी खड़ी करते हैं हम, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लटक रहा होता, उसके साथ को उसकी कोई एक ऐसी ऊपर कोई विजडम वर्ड्स लिखे होते जिसमें पाकिस्तान की एक ओरिजिन रिफ्लेक्ट होता, ठीक है वहाँ पाकिस्तानी काम करते, उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होता। मसा मसा करके उबर आई थी, ठीक है याद है ना उबर आई थी, वो भी चली गई, ये पिछले जो भी अदम एतमाद और वो इंस्टेबिलिटी आई है इकॉनमी में। $1 300 का हुआ, वो $1 भी अगर राइड का चार्ज करने तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उन्होंने तो अपने रेवेन्यूज अपने ऑडिट्स डॉलर में करने हैं, इंटरनेशनल कंपनी है, अफोर्ड ही नहीं कर पाई स्टेबल इंस्टेबिलिटी को। ये हमारा हाल है, जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस थे वो तो ख़त्म कर दिए, जो नए आ रहे थे वो भाग गए,
बिजनेस क्रिएट करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, उसको रन करने के लिए स्टेबल पॉलिसीज की ज़रूरत होती है। आपके यहाँ वो फलाना उठ के कहता है कि फलाने का कसूर है, दोनों मिलके कहते हैं कि तीसरे का कसूर है, और तीसरा जब रिटायर होता है तो कहता है तो ये तो सब मेरे खिलाफ थे। 75 सालों से यही तीन जो है ना ट्रायंगल्स में घूमते आए हम, मजा लो के कुछ किया हो, मजा लो। PIA सन 1980 सन 1970 की दिहाइयों में न्यूज़ आर्टिकल्स और वगैरह में पढ़ने को मिलता है कि ट्रेनिंग दिया करती थी ये एमिरेट्स वगैरह ने इन सबको, ऐसा ही है कतर को कि एमिरेट्स बहरहाल जिसको भी, इट वॉज सच अ रिस्पेक्टेबल एयरलाइन, और आज दुनिया की करप्ट तरीन एयरलाइन है, करप्ट तरीन। उसके रिटायर्ड फ्लाइट ऑफिसर आज तक घर बैठ के खा रहे हैं, उनको आज तक पेंशन जाती है, कख नहीं उन्होंने किया, डेफिसिट में जा रही है। मैं बात करने पे आऊँ तो मुझे नहीं पता कि मतलब हर चीज़ का ही बेड़ा गर्क हुआ है यार। इवन पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनमें हम भी कहते हैं कि यार जॉब लग जाती तो, या लग जाए तो ठीक है यार, उनकी भी 20-20 सालों की मेहनत ज़ाया ना। फिर देख रहे हैं एक जगह नाम आया पाकिस्तान का, कोई किसी खाते नहीं लिखता यार मुल्क को। मैं ये लिस्टें पढ़ रहा था, देख रहा था कोई एक आधी अपॉर्चुनिटी, एक आधी क्या, इधर तो मुझे आधी भी नहीं मिल रही। एकदम से माइंड में आया कि यार आप लोगों को ये सच्चाई बताई जाए, ये सच है, इसको हजम, ये हो हजम या ना हो बर ये सच है, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसमें जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जिन लोगों को मैं वोट देता हूँ, जाहिर है उन सब का कसूर है, और सिर्फ उन्हीं का कसूर है। हम कहें ना कि यार अच्छा हमारा भी अवाम भी ऐसी है, फलाना भी ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं, मैंने तो अपनी पैसे लगाए अपनी एजुकेशन पे, ठीक है, मैंने डिग्री हासिल की, मैंने एक ऑर्गेनिक वे में जॉब हासिल की, मैं आज जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, और अर्न भी कर रहा हूँ, अच्छा तो मेरा क्या कसूर हुआ इस सब में। वोट भी अच्छा, मैंने तो ये भी नहीं किया कि मैं वोट नहीं देता, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि अगर वोट नहीं देते तो आपको हक ही नहीं है बात करने का, चलो मैं वोट भी देता हूँ तो फिर मेरा कैसे कसूर है। और अगर अब कोई मेरे जैसा बंदा मुल्क छोड़ के चला जाता है किसी ऐसे मुल्क में जिनके मुल्कों के नाम इधर लिस्ट में लिखे हुए हैं, और जाके इन्हीं किसी एक कंपनी में लग जाता है, तो फिर कहते हैं कि यार मुल्क छोड़ के चला गया स्किल्ड वर्कर, तो क्यों ना छोड़ के जाए भाई, सवाल है क्यों ना छोड़ के जाए। क्या कहीं नज़र आया पाकिस्तान का नाम आपको टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में? ये सारी टेक कंपनीज हैं जिन जो भी मैंने आपको दिखाई हैं, ये फ्लिपकार्ट, ट्विलियो, TCS, ये बहुत बड़ी 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 टेक कंपनीज हैं। मैकैफी बहुत बड़ी कंपनी है, याद है ना वो बचपन में विंडोज में मैकैफी एंटीवायरस किया करते थे, ये वो कंपनी है। तो अब फिर देख के जाहिर है होता है बंदे को यार, इतनी इतने सालों से जिधर मेहनत करते हैं, जब नाम आपका फिर नहीं नज़र आता लीडरशिप बोर्ड पे, तो फिर थोड़ा सा यार एहसास होता है नहीं यार कई कई सालों की मेहनत कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं अपने आप को, एक भी जगह नहीं नज़र आया ना। बहरहाल ये एक आप लोगों से शेयर की, थोड़े से डिप्रेसिंग है ज़ाहिर है, बंदे को फील होता है, लेकिन सच तो सच है ना, फिर कितना कुछ छुपा लोगे। ये फिर सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो ही जाता है, मुझ जैसे बंदे करेंगे एक्सपोज, क्योंकि भाई हम अपनी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अगर आपके पास मौका है इन कंपनीज में काम करने का, इन कंपनीज में काम करने के लिए एफर्ट करने का मौका है, तो ज़रूर करो। इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपने आप को ज़ाया करो, इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपना पैसा ज़ाया करो, मिलती है अपॉर्चुनिटी तो गो फॉर इट। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, टेक केयर।